इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेक्चर 3 में आज हम पढ़ेंगे कूलम्स लॉ के बारे में और कूलम्स लॉ से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ओके, तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है कूलम्स लॉ का वो देखते हैं। व्हेन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्ज रिपेल और अट्रैक्ट ईच अदर विथ अ फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इस स्टेटमेंट को समझने के लिए हम एक दो डायग्राम्स लेते हैं, इसके एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। सपोज दो चार्जेस को आर डिस्टेंस पर रखा गया है। ओके, तो इन दोनों के बीच में अगर सेम नेचर का चार्ज है तो सेम नेचर का चार्ज होगा तो दोनों के बीच में रिपल्शन होगा विथ फोर्स। ओके, और अगर अपोजिटली चार्ज है, ऑपोजिट चार्जेस है, तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा। ओके, नाउ कूलम स्टेटमेंट क्या बोलता है। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, ठीक है। एंड सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोलता है, फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। और फोर्स क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब ये इक्वेशन वन हुआ, ये इक्वेशन टू हुआ, इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम कंबाइन करें तो फाइनली इक्वेशन क्या मिलेगा, फोर्स प्रोपोर्शनल टू क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। नाउ फोर्स इज, अब प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट को एलिमिनेट करने के लिए एक प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट लेंगे, दैट इज के, तो फाइनल इक्वेशन क्या बनेगा, एफ इज इक्वल्स टू के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। अब के क्या है, के प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट है और इस के का भी कुछ सर्टन वैल्यू होगा, तो के का वैल्यू क्या है, 9×10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और के को हम क्या, किस फॉर्म में लिखते हैं, 1/4πε0 के फॉर्म में। ओके, अब ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एप्सिलॉन नॉट है और इसको एप्सिलॉन जीरो भी बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब फ्री स्पेस क्या है, ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया है, दैट इज दो चार्जेस को आर डिस्टेंस पर रखा गया है, दोनों पोजिशन पर, ये दोनों को फ्री स्पेस पर रख के एक्सपेरिमेंट किया गया है। और ये जो इक्वेशन बना है, एफ नॉट इज इक्वल्स टू 1/4π क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, ये फ्री स्पेस के लिए है, दैट इज रिपल्शन और अट्रैक्शन होगा वो फ्री स्पेस पर होगा, ठीक है, दैट इज एयर एंड वैक्यूम। अब फ्री स्पेस मतलब एयर एंड वैक्यूम, इन दोनों एक्चुअली फ्री स्पेस है वैक्यूम, तो एयर के, एयर और वैक्यूम में बहुत बहुत कम डिफरेंस होता है, इसलिए हम फ्री स्पेस में एयर और वैक्यूम को कंसिडर करते हैं। नाउ एसआई यूनिट ऑफ फोर्स क्या है, न्यूटन। ओके, नाउ अब कूलम्स लॉ पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायमेंशन एंड एसआई यूनिट ऑफ 1/4πε0। ओके, नाउ अगर हम फोर्स का इक्वेशन फिर से देखें तो क्या है फोर्स का इक्वेशन, एफ इज इक्वल्स टू 1/4πε0 क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, तो हमको वैल्यू 1/4πε0 का चाहिए, तो 1/4πε0 को एक जगह फिक्स कर देंगे और रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स को हम उधर लेके चले जाएंगे इक्वल टू की उस तरफ। तो नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 1/4πε0 का इक्वेशन क्या मिलेगा, एफ इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्यू वन क्यू टू। नाउ फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन, डिस्टेंस का स्क्वायर दैट इज मीटर का स्क्वायर, चार्ज इंटू चार्ज कूलम कूलम, तो कूलम स्क्वायर। अब फाइनल एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ओके, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। अब इसका अगर डायमेंशन हमको चेक करना हो, डायमेंशन देखना हो, तो डायमेंशन क्या हो जाएगा, 1/4πε0 इक्वल टू एफ इंटू आर स्क्वायर बाय क्यू वन क्यू टू इक्वेशन से। तो फोर्स का डायमेंशन क्या है, एम एल टी टू द पावर माइनस टू, डिस्टेंस के लिए एल यूज करते हैं एल स्क्वायर, चार्जेस के लिए ए टी इंटू ए टी, तो फाइनल डायमेंशन क्या मिलेगा, एम एल क्यूब टी टू द पावर माइनस फोर ए टू द पावर माइनस टू, ठीक है। नाउ एक चीज यहां पर नोट करने का है स्टूडेंट्स, नाउ चार्जेस को हम करेंट, दैट इज ए फॉर एम्पियर है, तो करेंट के टर्म्स में लिखे हैं। नाउ डायमेंशन में करंट फंडामेंटल यूनिट होता है और चार्ज जो होता है वो डिराइव्ड यूनिट होता है। ओके, नाउ अब
यहाँ पर यही चीज नोट करना है कि हम जो चार्जेस है उसको करंट के फॉर्म में लिखेंगे, तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विथ टाइम। ओके, तो Q क्या हो जाएगा, I इन टू टी, आई के लिए A एंड T सेकेंड है, टाइम उसके लिए डायमेंशन होता है T, तो फाइनल डायमेंशन चार्ज के लिए क्या हो गया, ए टी। तो यहां पर चार्ज के लिए हम लोग ए टी यूज करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉट इज एप्सिलॉन नॉट, राइट इट्स एसआई यूनिट एंड डायमेंशन। ठीक है, नाउ एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, तो फ्रॉम फॉर्मूला, फॉर्मूला ये फोर्स का फॉर्मूला के बारे में बात कर रहे हैं, तो फ्रॉम फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू अगर हमको फिक्स करना हो तो एप्सिलॉन नॉट को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और फोर्स को नीचे लेके आएंगे। तो एप्सिलॉन नॉट को ले आए, हमको इसका वैल्यू निकालना है, तो फाइनल इक्वेशन क्या बना, 1 अपॉन 4 पाई इंटू 1 बाई एफ इंटू क्यू 1 क्यू 2 बाई आर स्क्वायर। तो नाउ 1 अपॉन 4 पाई क्या है, कॉन्स्टेंट टर्म है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, तो फोर्स का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन, कूलम के लिए कूलम स्क्वायर, डिस्टेंस के लिए मीटर स्क्वायर। तो फाइनल एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, पर न्यूटन कूलम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर, टू द पावर 1 है तो ऊपर चल जाएगा माइनस 1, मीटर स्क्वायर हो जाएगा तो माइनस 2। डायमेंशन क्या हो जाएगा, एम एल टी टू द पावर माइनस 2 इंटू कूलम के लिए ए टी यूज करते हैं स्क्वायर एंड डिस्टेंस के लिए एल यूज करते हैं, तो डायमेंशन क्या हो जाएगा, एम टू द पावर माइनस 1, एल टू द पावर माइनस 3, टू टू द पावर 4, एट के का स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मूला फॉर फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस व्हेन केप्ड इन सम अदर मीडियम। अब स्टूडेंट्स, हम वही एक्सपेरिमेंट को सिर्फ वैक्यूम पे रख के या एयर पे रख के तो नहीं कर सकते, कोई अदर मीडियम भी हो सकता है, उस पर भी किया जा सकता है, उस पर भी कूलम्स लॉ एप्लीकेबल है। तो अगर हम ग्लास, वुड, वैक्स, पेपर, ऑयल और अदर मटेरियल मीडियम रखेंगे और उस पर अगर हम चार्जेस को रख दिए, तो दोनों में अगेन फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा, अगर सेम चार्जेस है तो ऑपोजिट चार्जेस और अट्रैक्शन होगा एट डिस्टेंस आर। ओके, तो इक्वेशन क्या बनेगा ना, यहां पर मटेरियल मीडियम के लिए हम के यूज किए हैं, तो एफ के इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन के, यहां पर एप्सिलॉन नॉट यूज नहीं होगा, एप्सिलॉन के यूज होगा, क्यू 1 क्यू 2 बाई आर स्क्वायर। नाउ एप्सिलॉन के क्या है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मटेरियल मीडियम, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मटेरियल मीडियम। तो इस एक्सपेरिमेंट को मटेरियल में एनी अदर मीडियम पे रखा गया है, तो एप्सिलॉन नॉट के को अगर हमको एप्सिलॉन नॉट के टर्म्स में लिखना होगा, तो ये कैसे लिखेंगे, एप्सिलॉन के इज इक्वल्स टू के कैपिटल के इनटू एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो एप्सिलॉन के क्या हो जाएगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी और स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ये तीनों डायरेक्टली क्वेश्चंस आता है, व्हाट इज स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी। अगर नाम ही नहीं पता होगा तो फिर हम डिफाइन कैसे करेंगे, तो नाम याद रखना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ के क्या हो, अब के को कैसे, के क्या हो जाएगा, के इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन के बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, रेशियो ऑफ द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मटेरियल मीडियम बाय फ्री स्पेस। ओके, नाउ इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम एक साथ कंबाइन कर दें, यानी एप्सिलॉन के का वैल्यू पुट करें, तो एप्सिलॉन के को एप्सिलॉन नॉट के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, तो कैसे लिखेंगे, 1/4 पाई के इंटू क्यू नॉट क्यू 1 क्यू 2 बाई आर स्क्वायर। ओके, नाउ कुछ बुक्स में के को एप्सिलॉन आर के टर्म्स में भी लिखा जाता है, इसलिए कंफ्यूज मत होना स्टूडेंट्स, के इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन आर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, अभी हम लोग पढ़े थे के होता है, के इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन के बाई एप्सिलॉन नॉट। इसको डिफाइन कैसे करेंगे, इट इज द फैक्टर बाई विच द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द चार्जेस, दो चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, इज डिक्रीज्ड रिलेटिव टू वैक्यूम। तो एप्सिलॉन नॉट की क्या है, वैक्यूम है, तो वैक्यूम के लिए यूज करते हैं लोग जब एयर और वैक्यूम में अगर मटेरियल मीडियम अगर हम चार्जेस को रखेंगे, कूलम्स लॉ। ओके, तो के इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन के बाई एप्सिलॉन नॉट। नाउ के और एप्सिलॉन नॉट दोनों है इनवर्सली
प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल से, इसलिए वैक्यूम से डिक्रीज, वैक्यूम के रिस्पेक्ट में डिक्रीज करेगा। और अदर डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं, रेशियो बिटवीन एब्सोल्यूट परमिटिविटी टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। ओके, इस तरह से हम डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट को डिफाइन कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलेशनशिप बिटवीन एफ नॉट एंड एफ के फॉर टू पॉइंट चार्ज। ओके, तो इसको कैसे हम रिलेशन रिलेट करेंगे। नाउ इक्वेशन एफ नॉट होता है फॉर फ्री स्पेस, तो फ्री स्पेस के लिए एफ नॉट क्या हो जाएगा, एफ नॉट इज इक्वल्स टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, ये हो गया इक्वेशन वन। एफ के क्या है, एफ के इज इक्वल्स टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब नाउ एप्सिलॉन के को हम एप्सिलॉन नॉट के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, वन अपॉन फोर पाई के इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, ये हो गया इक्वेशन टू। नाउ अब हम इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को जब डिवाइड करेंगे, नाउ वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट एंड वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के रह जाएगा, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट एलिमिनेट हो जाएगा डिवीजन में, और ये पूरा टर्म सेम है वो डिवीजन में एलिमिनेट हो जाएगा। तो फाइनल इक्वेशन क्या बनेगा, एफ नॉट बाई एफ के इज इक्वल्स टू वन बाई वन बाई के, ये वन बाई के है तो वन बाई वन बाई के, तो के ऊपर चला जाएगा, तो एफ नॉट बाई एफ के इज इक्वल्स टू के। ओके, नाउ के को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, फोर्स के टर्म्स में भी डिफाइन कर सकते हैं, फोर्स ऑफ फ्री स्पेस डिवाइडेड बाय फोर्स एट एनी अदर मीडियम, ठीक है। एंड अगर एफ के को के के टर्म्स में लिखेंगे तो एफ के इज इक्वल्स टू एफ नॉट बाय के। नाउ यहां पर एफ के एंड डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इट मीन्स दैट कि एफ के डिक्रीजेज विद द फैक्टर के एट एनी अदर मीडियम, कोई भी अदर मीडियम पर अगर हम सेम एक्सपेरिमेंट करें, दैट इज दो चार्जेस को रखें और दोनों के बीच में अगर एफ फोर्स लगेगा, और एक वही सेम एक्सपेरिमेंट अगर हम वैक्यूम में करेंगे तो वैक्यूम में ज्यादा फोर्स लगेगा विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम पर, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम पर, क्योंकि जो मीडियम का जो पार्टिकल्स है उसको भी ओवरकम करना पड़ता है फोर्स को। अब उसको भी ओवरकम करने के लिए फोर्स क्या हो जाएगा, उस पार्ट वो जो मटेरियल है, उस मटेरियल को जो पार्टिकल्स है वो एब्जॉर्व कर लेगा। अगर वो एब्जॉर्व कर लेगा, इट मींस दैट उसका फैक्टर के टर्म्स में डिक्रीज कर जाएगा, इसलिए फ्री स्पेस पर जो फोर्स लगता है वो ज्यादा होता है मटेरियल मीडियम के लिए के रिस्पेक्ट में। ओके, नाउ नेक्स्ट कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है कूलम्स लॉ पर बेस्ड, जो आज हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, देखते हैं क्या इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्ज्ड बॉडीज दैट इज बॉल्स हैविंग चार्ज 4×10⁻⁸ कूलम एंड 6×10⁻¹ कूलम प्लेस्ड 80 mm इन एयर। ओके, तो सबसे पहले हम गिवन डेटा लिख लेते हैं। गिवन डेटा में Q1 दिया गया है 4×10⁻⁸ कूलम, Q2 में 6×10⁻¹ कूलम, और डिस्टेंस है R इक्वल्स टू 80 mm। इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 80/1000 meters, ये हो जाएगा 8/100 meters। ओके, नाउ नेक्स्ट है, यहां पर मीडियम जो दिया गया है वो है एयर, तो मीडियम क्या दिया गया है वो है एयर, तो हम क्या यूज करेंगे, एप्सिलॉन नॉट यूज करेंगे। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ फोर्स क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल्स टू 1/4 πε₀ × Q1 Q2 by R square। Now
वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू क्यू वन का वैल्यू, 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 क्यू टू का वैल्यू, 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 एंड आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 8 बाई 100 इंटू 8 बाई 100। ओके, अब फर्स्ट हम पहले जो वैल्यूज को सेग्रीगेट कर देते हैं, 9 इंटू 4 इंटू 6 बाई 8 इंटू 8 इंटू जो पावर थे उसको एक जगह लिख देंगे, 9 माइनस 8 माइनस 10 एंड ये जो 100 है ये ऊपर चला जाएगा तो 10 टू द पावर 4 होगा, तो ये हो जाएगा प्लस 4। ओके, नाउ अब कैलकुलेट करते हैं, हम कैलकुलेट करेंगे तो 4 ये 2 टाइम्स में जाएगा, 2 3 टाइम्स में, तो 9 3 जा 27 अपॉन 8 इंटू 10 टू द पावर, नाउ 9 प्लस 4 इज 13, 13 माइनस 18 इज माइनस 15, सॉरी माइनस 5, ये हो जाएगा माइनस 5। ओके, नाउ अब इसको डिवाइड करेंगे तो फाइनल आंसर हमको क्या मिलेगा, वो है 3.375 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 न्यूटन। तो फाइनल आंसर F इज इक्वल्स टू 3.375 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 न्यूटन। ये तो मिल गया हमको मैग्नीट्यूड। ओके, नाउ अब मैग्नीट्यूड के बाद नेचर भी बोला है फोर्स का। ओके, तो नेचर कैसा होगा, तो चार्जेस में दो तरह का नेचर होगा, एक अट्रैक्टिव एंड एक रिपल्सिव। अब हमको ये देखना होगा तो चार्जेस किस तरह का चार्जेस है। नाउ देखो स्टूडेंट्स, ये दोनों चार्जेस पॉजिटिव है। ओके, कुछ भी साइन नहीं है, मीन्स पॉजिटिव है। नाउ पॉजिटिव चार्जेस के बीच में क्या होगा, रिपल्शन। ओके, तो ये आंसर और ये दोनों आंसर बहुत कंपलसरी है, ये लिखना पड़ेगा रिपल्शन, तब जाके फुल मार्क्स मिलेगा। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू इक्वल चार्जेस प्लेस्ड इन वैक्यूम सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर रिपेल ईच अदर विथ अ फोर्स ऑफ 10 टू द पावर माइनस 6 kg। कैलक्यूलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन चार्ज एंड 1 kgf का वैल्यू दिया गया है 10 न्यूटन। ओके, नाउ फर्स्ट गिवन डेटा लिख लेते हैं। व्हाट इज डेटा गिवन, ओके, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन जो जो वैल्यूज दिया गया है उसमें हमको डिस्टेंस दिया है r 2 मीटर, देन हैविंग फोर्स f दिया गया है 10 टू द पावर माइनस 6 kgf। ओके, एंड चार्ज कितना दिया हुआ है, चार्ज जो हमको निकालना है, दैट इज हम लिख सकते हैं Q1 इक्वल्स टू Q2 इक्वल्स टू Q। ओके, नाउ अब फोर्स, तो फोर्स का एसआई यूनिट तो होता है न्यूटन। नाउ kgf, 1 kgf का कन्वर्जन जो है 10 न्यूटन, तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। नाउ 1 kgf इक्वल्स टू दिस मच, तो 1 kgf कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर माइनस 6 kgf कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू 10 न्यूटन, ये हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 5 न्यूटन F। ओके, नाउ अब अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, ओके, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ फोर्स क्या हो जाएगा, F इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। ओके, नाउ F का वैल्यू दिया गया है वो है 10 टू द पावर माइनस 5 इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 इंटू 10 टू द पावर 9 होता है वैल्यू इंटू, नाउ Q1 Q2 क्या है वैल्यू, Q1 Q2 इक्वल्स टू Q, ये हो जाएगा Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ओके,
तो आर का वैल्यू दिया गया है 2 मीटर, 2 into 2। ओके, नाउ ये इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 into 10 to the power -5 डिवाइडेड बाई 9 into 10 to the power 9, ओके, इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर। नाउ क्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4/9 into ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 10 to the power -14। ओके, नाउ क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, क्यू इज इक्वल्स टू रूट अंडर 4/9 into 10 to the power -14। नाउ स्क्वायर रूट से 4 की जगह 2 आ जाएगा, 9 में 3 आ जाएगा, इंटू 10 to the power -14 में 10 to the power -7 होगा। नाउ इसको डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू कैलकुलेट करने पर 0.667 into 10 to the power -7 कूलम का चार्ज होगा। इसको प्रॉपरली लिखे अगर तो 6.67 into 10 to the power -6 कूलम। ओके, -6 नहीं होगा, ये हो जाएगा -8 हो जाएगा। ओके, -8 कूलम चार्ज क्यू बॉक्स में लिख देंगे आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.5 microcoulomb ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.9 microcoulomb इन एयर इज 0.5 newton। वॉट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस, दैट इज टू स्फीयर्स, एंड बी है क्वेश्चन बी, वॉट इज द फोर्स ऑन द सेकेंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट स्फीयर। ओके, नाउ सबसे पहले हम फिर करेंगे गिवन डेटा लिखेंगे। गिवन डेटा लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। ओके, नाउ क्या क्या दिया गया है हमको, चार्जेस दिया हुआ है Q1 इक्वल्स टू 0.5 microcoulomb, ये हो जाएगा 0.5 into 10 to the power -6 coulomb। वन माइक्रोमीटर होता है 10 to the power -6, तो microcoulomb 10 to the power -6 microcoulomb। Q2 दिया गया है 0.9 microcoulomb इक्वल्स टू 0.9 into 10 to the power -6 coulomb, एंड फोर्स दिया गया है F इज इक्वल्स टू 0.5 newton। ओके, और मीडियम देखना कंपलसरी है, मीडियम कैसे दिया गया है वो है एयर, तो हम क्या यूज करेंगे, अगेन एप्सिलॉन नॉट। ओके, नाउ पार्ट ए का क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पार्ट ए में व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू स्फीयर्स निकालना है। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ फोर्स कितना हो जाएगा, एफ इज इक्वल्स टू 1/4πε0 × Q1 Q2/r2। नाउ फोर्स कितना दिया गया है 0.5 newton इक्वल टू 1/4πε0 हो जाएगा 9 × 10 to the power 9 इंटू चार्जेस Q1 × Q2, तो Q1 का वैल्यू है 0.5 × 10 to the power -6 इंटू Q2 का वैल्यू है 0.9 × 10 to the power -6 डिवाइडेड बाय, नाउ डिस्टेंस निकालना है R, R का वैल्यू, तो ये हो जाएगा R2। ओके, नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो R2 ऊपर चला जाएगा, अगेन 9 × 10 to the power 9 इंटू 0.5 × 10 to the power -6 इंटू 0.9 × 10 to the power -6 बाय 0.5। नाउ ये 0.5 कैंसल आउट हो जाएगा, अगेन आर स्क्वायर कैलकुलेट कर लेते हैं, 9 × 0.9 × पावर्स को कैलकुलेट करते हैं 10 to the power 9 और -6 −6 −12। ओके, नाउ आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, नाउ ये 9 को लिख सकते हैं 9/10, तो ये हो जाएगा 9 × 9 × ये हो जाएगा 10 to the -3 एंड -1,
तो हो जाएगा 10^-4. ओके, नाउ आर का वैल्यू क्या होगा, रूट अंडर 9 × 9 × 10^-4, ये हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा 9 × 10^-2. ओके, इक्वल टू 0.09 meter. ये हमको आर मिल गया. ओके, डिस्टेंस मिल गया टू स्फीयर्स. अब पार्ट बी पे चलते हैं. पार्ट बी पे क्या है, व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकेंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट स्फीयर. ओके, नाउ अगर छोटा सा डायग्राम बनाए, ये दोनों के बीच में आर है, ये है क्यू वन, ये है क्यू टू. अब हमको क्या, व्हाट इज द फोर्स ऑन सेकेंड, फोर्स ऑन सेकेंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट स्फीयर. तो फोर्स ऑन सेकेंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट स्फीयर क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच में, सी ये दोनों पॉजिटिव चार्जेस है, तो पॉजिटिव चार्ज में रिपल्शन होगा, तो फोर्स भी उन दोनों के ऊपर उतना ही लगेगा, 0.5 न्यूटन. ओके, इक्वल्स टू F12. इसका मतलब है फोर्स जितना 1, 2 पर लगाएगा और 2 उतना ही 1 पर भी लगाएगा. ओके, आज के लिए बस इतना ही. अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू.